आदरणीय अध्यापक अध्यापिका महोदय और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम नीताक्ष है। मैं तीसरी कक्षा का एक छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक क्रियाकलाप दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पर्यायवाची पुष्प। पर्यायवाची जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पर्याय और दूसरा वाची। पर्याय का मतलब है दूसरा और वाची का मतलब है बोलने वाला, मतलब ऐसा शब्द जिसे हम दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं। जैसे माँ, माँ को हम मैया, माता, जननी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है सूरज। सूरज को हम भानु, दिनकर, रवि, सूर्य, भास्कर के नाम से जानते हैं। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल को हम जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज के नाम से जानते हैं। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है बादल। बादल को हम मेघ, वारिग, नीरद, जलद, जंधर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम बादल को जंधर बोले हैं क्योंकि बादल जल पकड़ कर रखता है और समय आने पर बरसात करते हैं। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है चंदामामा। कितना प्यारा सा चंदामामा। चंदामामा को हम मीशापति, राकेश, चंद्र, मयंक, शशि के नाम से भी जानते हैं। हमारा आखिरी पर्यायवाची शब्द है समुद्र। छुट्टियों में मुझे और हमको समुद्र जाना बहुत अच्छा लगता है। पर्यायवाची समुद्र का है जल्दी, सागर, सिंधु, पयोधि, वाइति। आशा करता हूँ मेरा पर्यायवाची शब्द का प्रस्तुति आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।